अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाई सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। और माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, मैं बहुत टाइम हो गया वीडियो बना के, और एक्चुअली जो है सो मेरे को टाइम नहीं मिला। तो आज आपको इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में मैं जो सिंक का बता दूँ बोल के बोला था, तो ये आपको कटिंग का लास्ट वीडियो में बताया था मैं किस तरीके से करना है, कट करके लाया था। आज इसको ग्राइंडिंग करके किस तरीके से राउंड अप शेप में ले लेके आते आपको इंशाल्लाह वो बताता हूँ मैं। अभी इधर एक भाई साहब की दुकान में आया, हमारे दोस्त है हमारे, और इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसको राउंड अप कैसा करते हैं। और थोड़ा ये काम रिस्की है, और जिस किसी को भी नहीं आता उन लोग कोई ख़ास जो लाइट मशीन का काम करने वाले थे उनको दे के कराए तो बेहतर रहता, क्योंकि ज़र्री गलती से जो है आपको मार लग सकता, चोट लग सकती। तो ये खैर मैं इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ, अभी देखिए इंशाल्लाह ये एक सिंग बता तो मैं कैसा राउंड अप करते। ये कटिंग करी हुई सिंग है, ये लास्ट टाइम जो वीडियो में बताया था मैं आपको, तो इंशाल्लाह आपको भी बता तो मैं ये किस तरीके से करना है। रास्ते गए से ये राउंड अप होते रहती, आपको फर्क दिख रहा होगा। तो देखो भाई ऐसा घसते गए ऐसे ये रनअप होते रहती, इस तरीके से इसको पहले रफ तरीके से राउंड अप कर लेना।
ये देखो भाई, इसको इस तरीके से बराबर तरीके से राउंड अप करते रहना, और ये सामने का जो पॉइंट है इसको पॉइंटेड कर देना। यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सुकून में नहीं बता सक रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी इस तरीके से पहले इसको रफ तरीके से जो है अपन राउंड अप कर लेना। भाई देख लो, इस तरीके से जो है इसको राउंड अप कर लेना। अभी ये भी फिनिशिंग के लिए अभी दूसरा काम भी है, और मैं थोड़ी इधर करा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। ये एक चार पांच बनाया मैं ऐसा करके, पूरा ग्राइंडिंग मशीन पे करे सो है ये काम। अभी काम बाकी है बहुत इसमें, अभी इसको ये 60% कंप्लीट हुई सो है ये, 50% बोल सकते हैं इसके ऊपर। अभी यहाँ से मेन काम शुरू होता, अभी इसको अपन राउंड अप शेप दे दिया इसको, लेकिन अभी यहाँ से काम शुरू होता है इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको कैसा फिनिशिंग देना है इंशाल्लाह बताता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।